जो मैंने अभी कहा कि दीवार में से रिस्क मिलता। आप खुद सोचो कि अगर अल्लाह चाहे तो मैं रोक सकता। ट्रस्ट ऑन योर अल्लाह, ट्रस्ट ऑन योर अल्लाह, मासूमीन के शहादत, ग्यारहवें इमाम के शहादत, कि इफ यू ट्रस्ट योर अल्लाह यू विल गेट इट। फिर बोल रहा, अब तुम तो यार 14 के मानने वाले हो, करबला वालों के मानने वाले हो। हर मेरे पास तो 1000 वाकया मेरे साथ हुए, दुआओं के जरिए, नमाजों के जरिए, लोगों को जो बताया, लोगों की जो जिंदगी पलटी है। ग्यारहवें इमाम की इस सीरत पे अमल करो, इस इशादात पे अमल करो कि अगर आज एक लड़का या लड़की का भी ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। ट्रस्ट बिल्ड होने के लिए सिंपल चीज रिस्क हलाल और नमाज शब है। मैंने जब लास्ट टाइम मैं आया था आपके पास, तो मैंने बहुत स्ट्रेस किया था ये दोनों चीजों के लिए। कई लोगों में चेंज आया, कई लोगों ने शुरू किया। आज ये बात आई है, इसलिए रिपीट कर रहा वर्ड्स को कि शब नमाज के पाबंद बन जाओ। 3 रकत पढ़ो लेकिन पढ़ो, 3 रकत पढ़ो लेकिन पढ़ो। बेहतरीन तुम बेहतरीन गिफ्ट दे दो मौला हुसैन को 1442 हिजरा में। यूथ को बोल रहा, यूथ को बोल रहा, लड़का लड़की को बोल रहा, वरुण को नहीं बोल रहा। अगर तुम 1442 हिजरा का इमाम हुसैन को कोई गिफ्ट देना चाहते, कोई तोहफा देना चाहते कि मौला आपने इतना करम किया कि आप हमारे घरों में आए, 2 महीने 8 दिन आप हमारे घरों में रहे, अजा कभी खत्म होने वाली नहीं है। ताजुहरे इमाम, जब तक खून हुसैन का बदला नहीं लिया, आजादारी हम खत्म नहीं करेंगे। जब तक हमारी ये दुआ पूरी नहीं होगी, फयाले तनी खुन तो माँ को फाफुजा माँ, उस वक्त तक हम आजादारी खत्म नहीं करेंगे। काश हम करबला में होते, हमको मौका इंशाल्लाह 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 मिलेगा ताजुहरे इमाम के बाद। तो बस मैं आपसे यही बोल रहा कि बेहतरीन तोहफा यूथ को बोल रहा, यूथ को बोल रहा, महीने से मौला तुम्हारे घरों में, घरों में तुम्हारे मिंबर, घरों में तुम्हारे अज़ान खाने। फिर अब 1 साल के बाद ये अय्याम पलट के आएंगे, 1 साल के बाद हुसैन हमारे घर में मेहमान आएंगे। इतने दिन से हमारे साथ थे, हमारे दिलों को सुकून था। कुछ देने वाले नहीं हो, 2 महीने तुम्हारे पास थे, कोई तोहफा नहीं दोगे। आप बोलेंगे हम क्या तोहफा दें, हम क्या दे सकते हैं हुसैन को? वो कायनात का मालिक है, अल्लाह की आखिरी अल्लाह की हुज्जत, जमीन और आसमान का मालिक है। इमाम हुसैन तुमसे दिरहम नहीं मांग रहे, इमाम हुसैन औरतों से डायमंड और गोल्ड और प्लैटिनम नहीं मांग रहे, अल्लाह तुम मौला हुसैन तुमसे पैसे नहीं मांग रहे। इमाम हुसैन क्या मांग रहे? दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए मुझे, मैंने जिन चीजों से यजीद से जंग की, एक एक जुमला मेरा गौर से सुनो, जिन जिन चीजों से मैंने यजीद से जंग की मेरे चाहने वालों, वो तुम नहीं करना। गिबत नहीं करना, रिस्क हराम नहीं खाना, हसद नहीं करना। यहां पर तो बोलने की जरूरत नहीं, पता जब मैं यूरोप अमेरिका में रहता, अभी अफ्रीका में था अरबाइन में, वहां यह बातें बोली थी। अभी तो इंडिया में इतनी, मैंने ड्रिंक कभी नहीं करना, इंडिया में बोल रहा गैम्बलिंग कभी नहीं करना, नेवर। मैं यूथ को बोल रहा ये सारी चीजें, कभी वाजिबात को नहीं छोड़ना। जिन जिन चीजों से मैंने यजीद से जंग किया, जो इस्लाम का फ्रेम है, उस फ्रेम पे अमल करो। तुमने मेरा साथ दिया, तुमने मेरा साथ दिया, यही गिफ्ट मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो इन सारे चीजों में नमाज शब भी है दोस्तों, इसलिए कि मौला हुसैन की ख्वाहिश है। ये मैं नहीं बोल रहा, यह आबिद बिलग्रामी नहीं बोल रहा, मौला हुसैन ने आखिरी विश जो थी, आखिरी विल जो थी, वसीयत जो थी आशूरे के दिन की, वो क्या थी? अफसोस यही है कि बोलता कोई नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं करता इस पर। हर आदमी, हर लड़का लड़की, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, यूथ को 1000 फोन आते हैं कि मौलाना ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। किसी को औलाद करने है, किसी को मैरिड लाइफ का, हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते तो नमाज शब पढ़ो, औलाद चाहते तो नमाज शब पढ़ो, शादी नहीं हो रही तो लड़की शब नमाज पढ़ के दुआ करे, 40 दिन में रिश्ता आता। बेटी चाहते हो तो शब नमाज पढ़ो, इसलिए कि आप बोलेंगे नमाज शब से औलाद से क्या मतलब है। मौला अली ने मौला अब्बास को नमाज शब में मांगा था, बेटा चाहते हो तो शब नमाज पढ़ो। मैं ये भी बोल रहा, हमारे उलमा ने यहां तक इजाजत दी, 11 रकत नहीं पढ़ सकते, 3 रकत पढ़ो, 2 रकत शिफा, 1 रकत वितर। इसका बेहतरीन वक्त फजर से पहले का है, लेकिन इफ यू स्लीप एट 9 o'clock इन शारजा, 9 बजे शारजा में सो जाते, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोला, लास्ट टाइम बोला था, मैं एक रिमाइंडर भेज रहा क्या हुसैन को देना क्या। 9 बजे सो जाते शारजा में, 9 बजे पढ़ के सो जाओ आफ्टर ईशा, 10 बजे सो जाते, 10 बजे पढ़ के सो जाओ। बेटा चाहते तो शब नमाज पढ़ो, बेटी चाहते तो नमाज शब पढ़ो, इसलिए कि मौला हुसैन ने बीबी सकीना को नमाज शब में मांगा था। अब समझे मेरी बात, कोशिश करो कि इस पे अमल करने की, उसके बाद देखो कि 11वें इमाम का कुर्बत कैसे हासिल होती है। सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद को। दोस्तों मैंने मस्जिद का आगाज 4 सलाम से किया, कि पहला सलाम आपने क्या किया, रोजाना करो, रोजाना कल से टिल 1443 हिजरा 2021 की बात कर रहा हूं, ये 2020 है, 2021 जब मुहर्रम आएगा उस वक्त तक मैं सारे यूथ को बोल रहा हूं, जिन सलाम से मैंने मजलिस का आगाज किया, आप सब जानते हैं ये सलाम ज्यारत आशूरा के, द मोस्ट रिकमेंडेड ज्यारत ऑफ इमाम हुसैन। मौला हुसैन की कई ज्यारत है, कई ज्यारत में ज्यारत आशूरा है, माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी दुनिया में बोलता हूं 60-70% लोग ज्यारत आशूरा पढ़ते, हमारा पूरा बॉम्बे पढ़ता, पूरा इंडिया में पढ़ते,
यूरोप अमेरिका में बोलता हूं, हर जगह जाके बोलता हूं, आपके पास भी बोला था, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा, बट मैं सिर्फ रिमाइंड कर रहा हूं, यूथ का डोंट मिस दिस ज्यादा, डोंट मिस दिस ज्यादा, ये ज्यादा से तुम ग्रो करोगे। लड़कियों को और औरतों को बोला कि तुम्हारी मैरिड लाइफ प्रोटेक्टेड हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, तुम्हारी लाइफ में खुशी पैदा होगी, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में पीस देगा। लेकिन ऑलवेज आई से कि कंडीशंस अप्लाई, कंडीशंस अप्लाई खाली पढ़ने से नहीं होता, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में हाउ आर यू बिहेविंग, दिस इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह कि गफलत से बाहर आओ कि मैं बड़ी नेक हूं, मैं बड़ा नेक हूं, यह सबसे पहला प्रॉब्लम है जो हमारी कम्युनिटी में आज बैठ गया, और हम बड़े सुकून के साथ बैठे, वी आर रियली रिलैक्स, मैं क्या यार, मैं तो सबसे ज्यादा नेक हूं, मैं इतनी इबादत कर रहा हूं या इतनी इबादत कर रही मैं, ये प्रॉब्लम से पहले निकलना डेली डेली जितिया इमाम अली का बताया हुआ तरीका, मैंने बॉम्बे के मदरसों में बोला, तो उसके बाद लोगों ने वहां के लोगों ने क्या किया, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई चीज बोलता हूं तो लोग फॉरन प्रिंट करा के हजारों की तादाद में बांट देते, उन्होंने इसको भी स्ट्रिक्ट, जब मैंने लब्बैक या हुसैन पे मदरसे पढ़ी थी रिज़्क़ कॉलेज की, उस वक्त कई 5-10 हजार स्टिकर्स बना के उन्होंने पूरे दुनिया में बांट दिया, इंडिया में बांट दिया, 10 हजार के हर घर पर लब्बैक या हुसैन का आज भी स्टिकर लगा हुआ है। इस साल मैंने बोला कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर हर औरत को बोल रहा, हर मर्द को बोल रहा, हर लड़के को बोल रहा, हर लड़की को बोल रहा, यह मौलाना अली का बताया हुआ तरीका, 3 मरतबा पढ़ो, 5 मरतबा पढ़ो, 9 मरतबा पढ़ो, पढ़ो क्या, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, 3 मरतबा, इसका मतलब क्या है, अल्लाह कोई ताकत नहीं है, कोई कुव्वत नहीं है, कोई पावर नहीं है सिवाय तेरी ताकत के, यू आर सेइंग के अल्लाह यू आर द सुप्रीम पावर, तू सबसे बड़ा, जब तुम इसकी वेट करोगे वेट करोगे वेट करोगे वेट करोगे, तुम्हारे डे टू डे इश्यूज दूर होंगे, एंड वेरी सिंपल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, यार इमाम कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी अल्लाह पे तुम अगर जब भरोसा करने लगो, तो पहला सलाम क्या है, तो कल से रोजाना ये 4 सलाम पढ़ना अपनी लाइफ में, इसको इंप्लीमेंट कर लो, सलाम पले मोहम्मद वाले मोहम्मद, क्या करना है, वेन यू स्टार्ट योर डे, प्लीज नहीं, वेन यू स्टार्ट योर डे, ये 4 सलाम से करो, घर के दरवाजे पे जब आप मेन डोर पे पहुंचते हैं, ऑफिस जाने के लिए, बिजनेस पे जाने के लिए, जॉब पे जाने के लिए, स्कूल को जा रहे बच्चे हैं, बच्चों को भी याद है वो पढ़ के, ये वो सलाम है कि तुम्हारी जिंदगी को बचा लोगे, जिस पे जुमले गौर से सुनो, जिस मकसद के लिए तुम जा रहे, जिस काम के लिए जा रहे, तुम बिजनेस के लिए जा रहे, एंट्रेंस ऑफ द बिजनेस पे अपने घर में पढ़ो, और उसके बाद जब तुम बिजनेस पे जाओ, अपनी जॉब पर जाओ, जॉब पे जाओ, ये सलाम पढ़ के अपने ऑफिस में एंटर हो जाओ, Nobody can touch you, तुम्हारा बिजनेस में तुम्हारा कारोबार, जिस दिन सलाम हो सलाम करके देखना, कंपेयर करना कि कल का दिन कैसा था और आज का दिन कैसा है, अगर तुम हुसैन फिर बार बार बोलता है जुमला, कोई जादू की छड़ी नहीं है, conditions apply, conditions apply, I don't want to repeat, but I'm telling you, सलाम करो तो conditions के साथ है, ये नहीं कि सलाम करो, मौलाना आबिद बिलग्रामी ने कहा सलाम करो तुम्हारी सारी चीजें कबूल हो जाएंगी, बेशक कबूल होंगी, लेकिन उसके बाद फिर आपको झूठ भी नहीं बोलना है, ये नहीं कि सलाम किया घर से बाहर निकले टेलीफोन पे शुरू हो गए गीबत किसी की, फिर किसी किसके लिए, फिर कोई हराम काम करने के लिए चले गए, रिस्कन वासियन हलालन तैयबन अता होता है तो बरकत होती है, कोई बुरा नहीं मान, मैं तो जनरल बात कर रहा हूं, मैं तो बिल्कुल एक जनरल बात कर रहा हूं, तो कोशिश, 4 सलाम, पहला सलाम सलाम अल हुसैन घर के अंदर करना, 4 सलाम घर में करना, फिर ऑफिस में जाके करना, इसका खाली एक रीजनिंग दे देता, सलाम किया सलाम अल हुसैन, मौला हुसैन का सलाम किया, सलाम क्या है वाजिब नहीं, जवाब सलाम वाजिब, सलाम किया तुमने घर के अंदर और कहा सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, मौला हुसैन ने करबला से तुमको पलट के देखा, एक लम्हे के लिए भी अगर एक सेकंड के लिए भी हुसैन मुझे देख ले तो मेरी जिंदगी बदल जाए, मुझे सेहत हो जाए, मेरी तकदीर बदल जाए, और अगर मैं घर के अंदर खड़े रहकर कर रहा, बच्चों को लेके करो, बच्चों को लेके करो, जब तुमने यह सलाम किया, जैसे ही तुमने सलाम किया मौला हुसैन ने तुमको देखा, जिस घर में तुम खड़े हो वहां पे देखा, अरे जिस घर में हुसैन की निगाह पड़ जाए, जिस घर के ऊपर मेरे मौला की निगाह पड़े, हुसैन की निगाह करम की निगाह रहमत की निगाह, अगर मौला हुसैन तुम्हारे घर को देख ले तुमको देखे तो तुम्हारी सारी जिंदगी के सारे भलाए मुसीबतें बीमारियां दूर हो जाए, मेरा मौला हुसैन मुझे एक दफा देखे, मैं उस काबिल तो नहीं, मैं उस काबिल नहीं हूं कि मेरा मौला मुझे देखे, इसलिए मैंने गुनाह बहुत, मैं गुनाहगार हूं, अल्लाह मुझे माफ करे मेरे मौला हुसैन के नाम,
अल्लाह मुझे माफ कर दे मेरे मौला हुसैन के नाम पे, लेकिन सलाम ने हुसैन की निगाह तुम्हारे ऊपर डलवा दी। अल्लाह अकबर, मैं क्या बोल रहा यार, सलाम ने मौला हुसैन की कर्म तुम्हारे ऊपर आ गया। ये सलाम चार सलाम है लेकिन देशनी को बदले, देखो सिर्फ करबला वाले जो मौला हुसैन की जरी के अंदर है उनका सलाम है। उसके बाद आपने क्या कहा, वाला अली अब्दुल हुसैन, यहां अली अब्दुल हुसैन से मुराद चौथे इमाम नहीं है, शहजादे अली अकबर। आप इमेजिन करें यार, इमेजिन करें, इमाम बरगा अली रजा के चाहने वालों, आजादारों, हुसैन के आजादारों वहां बैठ के सुनने वालों, तुम इमेजिन करो कि अली अकबर, शहजादे अली अकबर ने तुमको देखा। मैं उसका भी हूं कि मेरा शहजादा मुझे देखे, नहीं, गुनाहों में डूबा हुआ हूं, सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक गुनाह किया मैंने। उसके बाद तीसरा सलाम किसको है, सलाम अल हुसैन वाला अली अब्दुल हुसैन वाला औलादुल हुसैन। अब सुनो औलादुल हुसैन में कौन कौन आता है, जनाब अली अकबर है, शहजादे अली असगर, बीबी सकीना, बीबी फातिमा सोगरा, बीबी फातिमा कुबरा, पूरे मौला हुसैन के बच्चे। उसके बाद चौथे इमाम से लेके, चौथे इमाम से लेके जमाने के इमाम तक, आप इमेजिन करो यार, इमेजिन करो, मैं आपको कौन सा गोल्डन गिफ्ट दे रहा हूं। चौथे इमाम से लेके जमाने के इमाम तक हर इमाम ने तुमको जवाब दिया, औलाद अल हुसैन, औलाद अल हुसैन, कहा अलैका सलाम। चौथे इमाम ने कहा तो तुम्हारी बीमारियां चले गई, पांचवे इमाम ने तुमको देखा इल्म आ गया, छठे इमाम ने देखा, सातवें इमाम ने देखा तो तुम मुसीबतों से बच गए, आठवें इमाम ने तुमको देखा तो तुम्हारी जिंदगी में इमाम जामीन हो गया, इमाम मोहम्मद तखी जवाब ने देखा कि हलाल रिज़्क में बरकत हो गई, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने देखा। इबादतों का शौक पैदा हो गया, जब भी अल्लाह की इबादत करना चाहते ये दो मासूम का वास्ता, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। उसके बाद अगर इमाम जमाना मुझे देख ले, फरसंद जहरा या अपना जहरा मुझे देखे तो मेरी जिंदगी बदल जाए। ये औलाद अल हुसैन है, फिर कोई प्रॉब्लम आएगा, फिर तुम्हारे घर में कोई मुसीबत आएगी, अगर 14-13 पूरे 14 मासूमीन की निगाह तुम्हारे घर में पड़ जाए अरे एक मिनट के अंदर, आखिरी सलाम कौन सा है, क्या करूं, वक्त कैसा निकल गया। वाला असाब अल हुसैन, आप सोचो हबीब इब्ने मज़ाहिर, ज़ुहैर, सईद, मुस्लिम इब्ने औसजा, हुर्रे हुर, वहबे कल्बी, पूरे शोदाए करबला तुमको देख के बोलेंगे अलैका सलाम, अलैका सलाम, अलैका सलाम, अलैका सलाम। आप सोचो जब कोई सलाम करता है तो वो रहमतें खुदा होती है, और जब ये इतने लोग कंप्लीट करबला वाले जाते 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 जाते, इसलिए कि हम पर लाजिम है, वाजिब नहीं, बट लाजिम तो है कि हुसैन ने हमको सलाम किया है आशूरे के दिन, और कहा बेटा जब वतन जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना। यह उस सलाम का जवाब है कि कल 8 रबीउल अव्वल से लेके 29 जिलिस तक अब तुम अपनी जिंदगी का शियार बना लो, 24 घंटे सलाम करते रहो, जितनी दफा तुम सलाम करोगे हुसैन की निगाह करम तुम्हारे पर होगी। ये नहीं करोगे तुम बस एक दिन करूंगा, दो दिन करूंगा, नहीं, खुद करो, शौहर से कराओ, बच्चों से कराओ, तुम्हारा घर हुसैन की निगाह रहमत में आ जाएगा। सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद, बस मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे, मौला आप सबको आबाद रखे, सलामत रखे, अल्लाह आपकी जॉब्स का प्रोटेक्शन करें, सारी जॉब्स का, जो बिजनेस कर रहा अल्लाह उनके बिजनेस का प्रोटेक्शन करे, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, आपकी नौकरियों की हिफाजत करे। या रब्बी।